हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चोपड़ा एजुकेशन और मैं हूं हरसाई चोपड़ा। दोस्तों, नीट 2020 के रजिस्ट्रेशन 2 दिसंबर 2019 से स्टार्ट होंगे और 31 दिसंबर 2019 को क्लोज हो जाएंगे। ये फॉर्म पूरे एक महीना रहेंगे, तो आपने 15 दिसंबर 2019 तक एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देना है। पिछले साल 2018 में ये फॉर्म पूरे एक महीना चले थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनका ये फॉर्म छूट गया था। वो पूरा एक महीना चलने के बाद भी नहीं भर पाए थे। हमारी एक कॉमन मिस्टेक ये होती है कि अभी एक महीना पड़ा है, भर देंगे फॉर्म, ये सोचते रहते हैं और फिर लास्ट डेट कब निकल जाती है पता ही नहीं चलता। ऐसा ही उदाहरण पिछले साल एक लड़की के साथ हुआ था। फॉर्म डेट निकल जाने के बाद कमेंट्स बॉक्स में उसने कमेंट्स किया था कि सर, मेरी लाइफ बर्बाद हो गई है, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। जब मैंने उनसे बातचीत की तो उन्होंने बताया कि नीट के फॉर्म की डेट कब निकल गई मेरे को पता ही नहीं चला। इतनी बड़ी गलती मेरे से कैसे हो गई, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मेरे को हर समय ऐसा लगा कि अभी समय है, भर देंगे फॉर्म, और लास्ट दिनों में व्यवस्था के कारण डेट का पता ही नहीं चला। वो लड़की सीकर के किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्टडी कर रही थी। अभी उसके सामने ये प्रॉब्लम थी कि मैं अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करूं और आखिर इतनी बड़ी भूल मेरे से कैसे हो गई। ये लड़की ही नहीं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनका फॉर्म छूट गया था और डेट बढ़ने का इंतजार कर रहे थे। मैं आपको यहाँ बता दूं कि नीट के रजिस्ट्रेशन की डेट किसी भी कंडीशन में एक्सटेंड नहीं होती है। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपको बिना लापरवाही करते हुए नीट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म 15 दिसंबर 2019 तक अवश्य ही कम्प्लीट कर लेना है, कहीं उस लड़की जैसी गलती आपके साथ ना हो जाए। पिछले साल तो एम्स और जिपमर का भी ऑप्शन था, इस बार तो वो भी नहीं है। तो जैसे ही नीट के फॉर्म स्टार्ट होंगे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, वीडियो को लाइक व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ में नए वीडियो में, तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद।